आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंडर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। अब ये जो शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये शख्स कौन है। ये हैं शकील अहमद। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को मेंडर में रात को एक सिलेंडर धमाका होता है जिसमें एक होटल मान के चलें उसको नुकसान पहुँचता है और साथ में एक कपड़े की दुकान है जो कि पूरी तरीके से जो है वो जलकर राख हो गई थी। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। अब इसी बीच उस समय हमें पता नहीं था कि वो कौन जिसकी कपड़े की दुकान है, क्योंकि जो होटल वाले थे वो तो वहाँ मौके पे मौजूद थे। अब कपड़े वाला बंदा जो था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुकान जलकर जो है वो खाक हो चुकी थी। आज वो शकील अहमद, मैं आपको बता दूँ कि ये हैं उस कपड़े की दुकान के मालिक जिनका पूरा सामान जल कर राख हो गया था। आज ये मेरे पास पहुँचे हैं, इनका फ़ोन आया कि कोई मेरी परेशानी है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हम भी आज मिल दिए, तो इन्होंने पूरी बात जो है वो मेरे को बताई है कि उस दिन का जो हादसा हुआ था, मैं यहाँ पर नहीं था, मेरी दुकान का सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दूसरे होटल वाले का प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं, सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रॉपरली जो आगे प्रोसीजर होता है, यहाँ के जो पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं या जो भी लोग हैं इसके या पुलिस के जो लोग हैं जिन्होंने भी मौके वारदात पर वहाँ पर विज़िट किया, इवन के वहाँ SDM मेंडर भी पहुँचे थे, वहाँ पर सब विज़िट करने के बाद एक आश्वासन दिया गया कि इन लोगों की फाइल्स बनाकर आगे प्रशासन तक भेजी जाएंगी और आगे का जो फर्दर आगे जो प्रोसीजर होगा कि क्या उनको वहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। अब शकील अहमद जो है मेरे पास आए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी फाइल जो है वो ये लोग नहीं बना रहे। अब क्यों नहीं बना रहे हैं, पूरा वाकया क्या है, ये हम शकील भाई से पूछेंगे और ये पूरा बताएंगे। शकील भाई जी सर, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आप कहाँ से हो जी और यहाँ क्या काम करते हो? सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का। मैं यहाँ कम्बल और कपड़े का काम करने वाला था, कई सालों से करता हूँ, तकरीबन मुझे 20-22 साल हो चुके हैं। ठीक, हम 25 जनवरी को यहाँ से किसी अचानक हमारी सास माँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं अचानक 25 जनवरी को यहाँ से वापस घर गए थे और 25 जनवरी को जब यहाँ से गए तो वहाँ से हमें 1 फरवरी को मुझे खबर मिली कि आपकी दुकान किसी वजह से जल गई, किसी सिलेंडर के धमाके से। तो आते आते मैं यहाँ 3 तारीख को सर यहाँ आया, जब यहाँ मैं पहुँचा तो मैं यहाँ जो है देखा सब कुछ मौके वारदात पर लोगों ने देखा, तो मैं यहाँ तहसील गया, तहसील में हमारे सारे कागज़ बन गए थे। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट और हमारे कागज़ जो है निकाल के फेंक दिए गए। क्यों क्यों फेंकेंगे, क्या कारण? वो फेंक दिए गए, कहने लगे कि एक फाइल बनेगी। तो मैंने कहा सर चलो एक फाइल बनेगी कोई बात नहीं, लेकिन एक फाइल अगर बनती है तो उसमें हमारे कागज़ और डॉक्यूमेंट लगाए जाएँ, ताकि अगर सरकार से कुछ मिलेगा, अगर हमें मुआवजा, तो हमें दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर, वहाँ नायब और तहसीलदार वगैरह जो बैठे थे उन्होंने हमारे कागज़ निकाल कर फेंक दिए गए, बोला आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैंने बोला सर प्लीज़ दरख्वास्त की कि मैं यहाँ इंडिया का नागरिक नहीं हूँ क्या, मेरा हक नहीं है जो हमारी FIR या हमारी फाइल बने। मैं वहाँ से चला आया हूँ, मैं सर बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग हूँ। शकील भाई कैसे आप, मतलब कि आपके दुकान का इतना नुकसान हुआ तो कैसे, क्या मतलब कि कैसे आपने दुकान जो है वो खड़ी की थी? सर हमने पीछे से माल ले रहा था, एक आड़ती था, मैं उससे उधार और व्यवहार चला के ला के बेच रहा था, अपने यहाँ मजदूरी कर रहा था, मजदूरी के तौर से फेरी कर रहा था। तो ये हमारी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि हमारी मदद की जाए। नहीं शकील भाई, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जब दुकानें दो थी, एक वहाँ पे होटल की दुकान थी, एक आपकी दुकान थी, दुकान उसके आपका काम अलग था, उनका काम अलग था। जी जी जी। तो फिर आपने ये चीज़ उनको बताई? मैंने बताई कि दुकान 3 है मकान मालिक की और एक दुकान उसमें से हमारी है जो उनसे अलग थी। तो हमने वहाँ पे बात ये रखी कि हमारी फाइल जो है अलग बनाई जाए और मुमताज़ साहब की वो फाइल जो है वो अलग बनाई जाए, आप जा सकते हो यहाँ। तो शकील जी आप क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? आप प्रशासन से मैं यही अपील करूँगा सर, हमारी गुजारिश यही है कि अगर फाइल बनती है तो हमारी भी बनी जाए, बनाई जाए, आगे मुआवजा अगर सरकार दे रही है
तो शुक्रिया, अगर नहीं दे रही तब भी कोई बात नहीं, लेकिन फाइल नहीं जाए। मतलब आपकी यही मांग है कि मेरी फाइल बन के आगे जानी चाहिए। आगे जानी चाहिए। शकील भाई एक चीज़ और बताओ कि ये आपके पास कागजात जो आपने पकड़े हुए हैं ये क्या है, ये बताएं। ये सर देखिए थाने का है, ये देख सकते हैं, ये जो FIR हुई थी। जी जी, ये FIR की कॉपी है। हाँ, ये मौके वारदात की कहानी है। देखिए जी, ये मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके बता देता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन मैंडर में जब मौके पर जो चीज़ मौके वारदात पर जो लिखी गई थी, ये इनके पास ये डॉक्यूमेंट है। तो ये शकील भाई ने ये बताया है, और उसके बाद ये आगे कोई एक एप्लीकेशन है, शायद ये DC साहब के पास जो है इनको जाना है। और उसके बाद ये क्या, ये सरपंच, हाँ ये भी बता देता हूँ, आबद हुसैन शाह सरपंच गोल्ड मुस्तफ़ा नगर। ये सरपंच साहब की तरफ से भी जो है ये डॉक्यूमेंट पूरा ये लिखित में आप देख सकते हो, ये मौके का जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। अब बात सवाल ये उठता है कि अगर दुकानें तीन थी, तीन में से दो दुकानों पर काम चल रहा था, यानी और ये मौके की तस्वीरें हैं जो ये भी आप देख सकते हैं कि ये उस हादसे की वो हम भी आपको दिखाएंगे वो पूरी तस्वीरें। अब शकील भाई का साफ तौर पर कहना है कि जब मेरा काम अलग था, मेरी दुकान अलग थी, जो साथ में होटल था जहाँ पे ये धमाका हुआ था सिलेंडर का वो अलग थी, तो फिर फाइल एक क्यों, मेरे को क्यों नहीं उसमें ऐड किया जा रहा। यानी कि अगर आप एक दुकान की अगर आप फाइल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फिर दूसरी क्या, ये अगर UP का रहने वाला इंसान है क्या इसका यहाँ पर फ़र्ज़ नहीं बनता? अगर इसका नुकसान हुआ है तो इसकी भी तो भरपाई होनी चाहिए। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर जो है वो क्या काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसकी जो है, अगर ये भी बंदा अगर उसमें मतलब शामिल था, इसकी दुकान का भी अगर नुकसान हुआ तो इसकी भी फाइल बनना जो है वो लाजमी है। तो अगर ये हमारा वीडियो SDM मेंडर साहिल जंडियाल साहब या डिप्टी कमिश्नर पुंछ DC साहब अगर देख रहे हैं, तो हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इस चीज़ की क्वेरीज़ करें, उनसे पूछें कि आखिर इस बंदे की फ़ाइल क्यों नहीं तैयार की जा रही, क्या रीज़न है, अब क्या कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं कि अगर ये बाहर का बंदा पिछले 25 साल से यहां पे फेरी का काम कर रहा है तो इसका जो नुकसान हुआ है इसकी भी जो है वो सुध लेनी चाहिए आपको। हमारा कम से इसका कम भी नुकसान 15-16 लाख का हुआ है। अच्छा, हाँ उसमें काफ़ी कम्बल वगैरह वो सब थे, कम्बल थे, कालीन थे, कपड़े थे, सूट वगैरह और बेडशीट वगैरह। ये आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कालीन कितने कॉस्टली होते हैं, कितने महंगे होते हैं, और अब ये आज मजबूर होकर दर्द बदर के धक्के खाकर जो है ये फाइनली मेरे पास पहुँचे, और हम भी इनकी बात जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपने आगे देखना है कि पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं, जब इनके पास थाने की रिपोर्ट है, सरपंच लिख के दे रहा है, तो फिर प्रशासन को भी चाहिए कि जो लोग इसको मतलब कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, या जिन जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई पटवारी है, चाहे वो कोई नायब तहसीलदार साहब हैं, या जो भी हैं, तमाम आप लोग जो है वो इसकी फ़ाइल भी, इनकी फ़ाइल का भी वो खास ध्यान रखें, इनकी फ़ाइल भी आगे तक चलाएं, ताकि इनको भी कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिल सके। क्योंकि ये साफ़ तौर पर कहना है कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, उस दिन मौके पर ये थे भी नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका नुकसान होता है उसकी क्या हालत होती है, एक किस्म की कमर टूट जाती है इंसान की। लेकिन हम भी यही अपील करते हैं कि इस इंसान की जो है वो ज़रूर आप मदद करें। ये शकील भाई है जो कि आज मजबूर होके कहा कि सब जगह मैं गया लेकिन कहीं जगह मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैं आज आपके पास पहुंचा। तो फाइनली ये शकील भाई की बात जो है वो हम आप तक पहुंचाई, और तमाम जो है हम प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनकी सुध ली जाए, इनसे पूछा जाए, पूरी डिटेल में जो है वो देखा जाए, और इनकी फ़ाइल को भी जो है वो आगे पहुंचाया जाए। वीडियो एनालिस्ट राही कपूर मेंडर न्यूज़ डायरी के लिए गुजारिश है आप सभी लोगों से हमारी मदद कीजिए। मैं बाहर का रहने वाला हूं, आपका शुक्रिया। KLM International School, Defence Road, Mamun, Pathankot, situated at the foothills of Shivalik. The school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Hello everyone, good afternoon. Myself Aliza Fatima Khan. I am from Jammu and Kashmir. My district name is Poonch Tehsil Mender. My village is Keri Gruta. So I choose KLM International School because first thing is discipline. We all know that discipline is most important thing in everyone's life. So we KLMites always follow discipline.
सेकंड थिंग इज़ प्रिंसिपल मैम इन अवर स्टाफ मेंबर्स. माय प्रिंसिपल मैम इज़ ट्रीट मी लाइक अ डॉक्टर. माय स्टाफ मेंबर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सो आई फील फैमिली हियर एवरी टाइम. सो हैव वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज लाइक कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब्स, मैथ्स लैब, होम साइंस लैब. Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूंगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा, नो फेक प्रॉमिस. सो एक माँ होने के नाते जो मुझे तीन चीजें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स. कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही. फॉर एडमिशन फ्रॉम नर्सरी टू प्लस टू ऑल स्ट्रीम्स काइंडली कॉन्टेक्ट 9216504779 एंड 9216505779.